This is probably going to be one of the last times that I perform these songs on stage. चलिए आंसर स्क्रिप्ट में यही लिख कर आऊंगा एग्जाम में नेक्स्ट टाइम. तेरा बहुत बलवाएगा. मजा नहीं आया. हैं? What is up, Shillong? Yeah, what's up, Shillong? कैसा लग रहा है? जल ही जीवन का आधार है. छोरे एलसी यार यार चोर सिखा पड़ा पंच पकी थूतड़ी बिगाड़े. छोरे एलसी यार यार छोरे एलसी यार यार. हाँ भाई गेर 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 गेर. चलो. हेलो राम राम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग. आई होप आप सब ठीक होंगे. मैं तोता हूं गाइस, इसलिए अपना व्लॉग कहीं शुरू करता हूं. और आज हम कहीं जाने वाले हैं, तो आज संडे भी है, तो अपने टीजर में देख ही लिया होगा कहां जाने वाला. तो चलिए अपना व्लॉग कहीं शुरू करता हूं. सो गाइस, मैं रिजर्व तो आ गया और शिव यहाँ में बैठा हुआ है. और रिकी अपने घर से निकलेगा, विवेक भी उसके घर गया है. सो गाइस, मैं गाड़ी में बैठता हूं और गरीब भाई चलिए. को तो पार्क कर दिया और हम लोग दोनों चलते हैं. हमें सृष्टि इसी को देखने आए हैं हम. चलिए अंदर कॉल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. तो गाइस चलिए अब सृष्टि से मिल के आते हैं, अपना स्पेशल मीट है उसका साथ. चलिए. और मैंने अपने मीटअप पे सृष्टि को भी बुलाया है. इस यहाँ पे बोला कि वहाँ पे टिकट मिलेगा हमें, तो वहाँ से हम टिकट ले लेंगे. और चलिए कोई बात नहीं. तो तुम लोग दोनों के लिए ना एक्स्ट्रा टिकट, दो इजी पास में मेरा, दो दो टिकट ले लें और ब्लैक कर देगा. हाँ और यहाँ पे आ रहा है और सृष्टि का आवाज मुझे सुनाई दे रहा है गाइस, तो लगता है कि सृष्टि आ जाएगी. और चलिए गाइस जल्दी से सृष्टि से मिलते हैं और पैसे उसे फ्लैक्स करता हूँ. चलिए उसका कॉन्सर्ट में मजा आएगा, लेकिन रात तक रहना है गाइस. शिव अपना जा रहा है, शिव द बॉस ट्रेवलिंग शिलोंग. हमारा टिकट मिल गया हमें और मस्त लग रहा है पीला पीला. और चलिए अब चलते हैं अंदर. मैंने सृष्टि का राखी पहन लिया और जिसने राखी पहने उसे ही अंदर घुसने मिलेगा. तो चलिए, इसलिए मैंने पहने पहले पहन लिया. यहाँ में आ गई है, ये गाड़ी से निकली किया से और वहाँ जा रही बैठने. चलो भैया. ए ये भाई है ना हसल वाली सृष्टि. स्टॉप स्टॉप भाई, रैपर बन गई रातों रात. राइटर डैनी तो कौन है? बोल 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 डैनी तो कौन है? कौन है भाई? क्या कुछ अभी अभी सोचा है? चाकू नहीं, गन नहीं, डॉन खाली फोन पर है. महिलाएं कृपया इस नंबर पर कॉल करें. बाहर इज वेरी रियली फास्ट बिकॉज़ द पीपल दैट आर वर्क विद आर इलीगल. मैडम अब लेडीज हो रहा तो मेरे तो लगना बनता कि अंडरवर्क का धंधा नहीं है, पर ये नहीं लगना बनता कि मेरे को काम धंधा नहीं है. कहीं पे भी एक औरत नहीं, क्योंकि काम से तो जरा सी आवाज ही चलेगी मेरी. My job before the money, every 30 days I bear with the people that work.
And if it wasn't for the money, I'd be running to the office. I'm just putting down my papers, but I'm so stuck. छोरे एमसी यार यार चोसी का बना पंच पक्की थूतड़ी पे काटे छोरे एमसी यार यार छोरे एमसी यार यार हाँ भाई गेर 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 चलो एक डिस्क करवा दिया ना करियर खत्म उसके बस की नहीं है बे ये सब ये हाँ जाओ इसने दे करिए अपना वार्म अप और हम आ गए हैं फोटो खींचने थोड़ा एक दो फोटो खींच लेता है कितना मस्त पीछे सनसेट आ रहा है वो माय गॉड वो अभी टाइमलेस बनाने से क्या मजा लगे बेहतरीन है मोबाइल में इसलिए टाइमलेस नहीं बनाऊंगा इसलिए हम लोग यहाँ आए फोटो खींचने के लिए तो सृष्टि यहाँ आ गई वो माय गॉड विवेक जा रहा है सृष्टि के पास देखता है उसका ताकत आ रही है इधर ही और कोई बात नहीं हम अपना है ना मस्त सीनरी आ रहा है ये वो टिकटॉक बना रहा है ये टिकटॉक बना रहा है सृष्टि गाइस सृष्टि टिकटॉक बना रही है मतलब इंस्टाग्राम रील्स ओ माय गॉड अभी तो कॉन्सर्ट शुरू में टाइम है हमें भूख भी लग गया है तो चलिए कुछ खा लेते हैं और गाइस कैसा लग रहा है अवतार BTS विद रुद्राक्ष ये देखिए स्किनी ब्लॉगर ओ सही लाइन के पीछे रहे हाँ नोबल नहीं होना चाहिए चल चल एक में एक चेस ये जीतिया काश्मी टाइम में चल गाइस 4 बज गया 4:30 हो गया और अभी तक कॉन्सर्ट शुरू नहीं हुआ हम लोग का प्लान था 12 बजे ही आने का लेकिन तब भी हम लोग 2:30-3 बजे तक आया और 1.5 घंटा हो गया अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ क्या करूं मैं और चलिए गाइस वहां पे थार देख रहे हो तुम्हारी भाई की थार है चाय तो दिखाओ अब सब कॉन्सर्ट करने के लिए सब आ गए मेरा आवाज सुनाई दे रहा है कि पता नहीं मुझे लेकिन मैं भी आपको दिखाता हूँ ये वही है ना असल वाली सृष्टि भाई रैपर बन गई रात और रात अरे तेरा भाई रैपर है सुन लेकिन तो सुने नहीं क्या उसके नाम मैं बस की नहीं है भैया सब ये very good yeah. You're looking way better than me actually hands up no, not very kya bolte color coordinated and all natural yes thank you for having me here by the way yes this is my first time in Shillong yes Shillong is beautiful. yes sir. yes
is probably going to be one of the last times that I perform these songs on stage. Because it's New Year, I'm going to come up with new songs. Yeah! So before I end this unofficial tour, I am going to spend this time on stage living like it's my last time doing these songs. And I'm going to hope ki aap log ekdam same sync mein ho mere sath. So we're going to listen to it like we're listening to it on our last day of life. Theek hai? Yeah! Ready? Ah. And there is so much I have to tell you all, because as I mentioned, it's probably the last time I'm doing these songs. There's so much I have to tell you all about the things that I've done in these songs, like the songs that I've done. Let's start with how much I love to tell stories personally, and most of my songs are stories, right? The one that I'm going to do now, the one that I'm going to perform now, is I'm going to hope that you all already know what it is. You all already have memorized the lyrics and all, prepared karke aaye ho, full homework. And yes, yes. And I'm going to hope you all are going to sing along. Theek hai? Haan. So this is a story about my past, but it's not that dark as past usually is. So just gonna put it out. Dekhna tumko maza aata hai kya, and try to live it with me because I'm living it on stage today. Okay? Yeah. मजा नहीं आया है, मान गए तो ना, ऐसे सब करते करते मैंने रिसेंटली, मतलब ऐसे ही मजाक मजाक में गाने लिखते लिखते मेरे को एक बॉलीवुड मूवी में गाना लिखने मिला। ये हुआ जब बात। तो सुना आप लोग ने क्या? नहीं यार, सुना है बस, फिर किसी को सुना ही नहीं है, तो प्रीमियर है ना। सुनाओ सुनाओ सुनाओ, और याद करके आना इधर से। क्या सुन के इंस्टा पे डीएम करेगा सब लोग? एकदम एक नंबर, बस ये चाहिए। चलो सुने। हाँ। मैं उदास हो गई तो मेरे साथ रोना, ठीक है? हाँ, 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 हाँ। चलो निगाहें किसी ना किसी पे है, किसी ने है जाना बिना आँख के, सारी राहें भरी है निगाहों से, किसी ना है मेरे घर का पता दो बस, अगर घर में अकेली मैं नहीं तो किसी पे निशाना। सही हो, थैंक यू। अरे 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 नहीं सुना था ना तुम लोग ने ये? नहीं। अच्छा लगा क्या? अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत दम धांसो। आपको लगता है मैंने पैसा दिया, ये सब बोलने कैसा लग रहा है? नहीं, अभी तक आया नहीं, दे दो। सो मैं जब से लिख रही हूँ ना, तब से, और जिन आजकल जिनके आसपास भी रहती हूँ, जो और भी लोग जो गाने बनाते हैं उनके साथ रह रहे के मुझे एक बात समझ में आई है
कि गाने सिर्फ यही नहीं होते कि आपको लिरिक्स याद हो जाए, आप गुनगुना लो, फिर थोड़े दिन बाद कोई नया गाना गुनगुना लो, इतना ही नहीं होता है. मतलब कुछ गाने शायद कोई ना कोई लिखता होगा कि बस वो चार्ट पे टॉप पे आ जाए, है ना, दुनिया में नंबर वन पे आ जाए. बट कुछ गाने इसलिए भी लिखे जाते हैं कि दुनिया को नंबर वन बनाए. मैं होप करूंगी कि आप सुने और सोचे और समझे, तो गाने याद करने से बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा अगर आप गाने समझ गए. तो अभी जो मैं सुनाने जा रही हूँ, द स्टोरी दैट आई एम अबाउट टू स्टार्ट विद, ये इसी सिर्फ इस इंटेंशन से लिखी थी, बस इसको कोई समझे. बेचारे की नजर भी नीचे और आंखों में आंसू, खुद पे वो काबू भी करे और आंखें भी नीचे, और जिसने भी जो भी था मांगा वो देता गया, बदले में ताने ही खाए. मुशायरा लग गया ना एक वर्ड में ही. शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत. खूब लाई खूब लाई. बस मेरे को लगता है इसके बाद तो देना पड़ेगा पैसा तुमको आके. तुम्हारा खत्म ही नहीं हो रहा है इतना है. मेरे को खुद के बारे में इतना कुछ नहीं लग रहा जितना तुमको लग रहा है मेरे बारे में. और सुनो. I don't know how to respond to this. I have never received this love. actually, Shillong is beautiful and including people. Wow! बहुत वैसे ये लेक कितना मस्त है. अभी तो दिख नहीं रहा, मैं सुबह आई थी ना देखने. अरे रुको डे. तो एक और कहानी है जो मुझे लगता है कि मतलब मैंने तो अपने बचपन के बारे में लिखी थी, लेकिन मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी चीजें हम अभी भी इस उम्र में भी और आगे आने वाली उम्र में भी लोग सहते रहते हैं. कंफर्टेबल हो जाओ. हाँ पूरा. अरे 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 ये हुई ना बात. परिवार में थे हम चार, मैं आई बाबा बाबा था डालबी सेफ. मेरा बचपन कहाँ गया अभी तो यही था. बचपन कहाँ गया ए मेरा बचपन कहाँ गया अभी तो यही था. कोई खा गया मेरा बचपन कहाँ गया अभी तो यही था. कोई खा गया. शुक्रिया. हाय. जल ही जीवन का आधार है. है ना इतना धड़. तो हल्का हल्का सा जवान लिखा है. कहानियां ही है वो भी मैं चाहती हूँ कि आप समझो, लेकिन मेरे को पता है वो अब याद भी कर लोगे. तो अपन वो करें साथ में. चलिए चलिए आंसर स्क्रिप्ट नहीं यही लिख कर आऊंगा एग्जाम में नेक्स्ट टाइम. तो यार बहुत भला होएगा. चलो मजा. अरे बस कर यार. अरे यार छोरी शर्मा गई सबके बीच में. छोरी शर्मा गई. I am on the verge of getting impressed. मैं बहुत पढ़ चुकी हूँ. इससे भी आसान कर देती हूँ, ठीक है? और आसान कर देती हूँ ताकि ये वाला बंदा जो बिल्कुल होठ नहीं लाया पूरा टाइम, ये वाला भी गाए. भाई भाई गादे गादे बहुत दूर से आई है. आपको आता है वो गादा, मेरे को पता है. मतलब मैं तो मेरे को खुद ही गिना चुकी हूँ गाना सुन सुन के, इतनी बार मैं सुन लिया है. तो आपको तो आता ही रहेगा ऐसा मैं होप कर रही हूँ. तो अभी सब लोग गाना साथ में है. That's why.
थैंक यू सो मच, यू आर एक्चुअल स्पोर्ट्स, यू आर क्या बोलते उसको, क्या बोलते हैं वो वर्ड नहीं मालूम मेरे को, लेकिन जो मेरे को बोलना है दिल से बिंदास बोल दो आ गया यार। सुष्टि का म्यूजिक खत्म, अब हम लोग रुकेंगे या देखते हैं, अभी और एक डीजे आने बाकी है तो उसका भी थोड़ा एंजॉय करके चलते हैं। बहुत मजा आ रहा है, पसीना तो छूटा नहीं फेंटा है, तो चलो ये हाउ द सॉन्ग हाई स्टॉप हट 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 परफॉर्मेंस तो सब खत्म हो गया और अब खाली डीजे बचा है तो मैं घर जाऊंगा, लेट हो गया बहुत ज़्यादा, तो चलिए अब घर चलते हैं। और बहुत मज़ा आया, सृष्टि वाज ऑन फायर गाइस, गाइस अब चलिए चलते हैं घर और नहीं मरना है गाइस। और कंसर्ट अच्छा था, बहुत अच्छा था, पैसा वसूल क्योंकि पैसा लगाया नहीं हमने। और चलिए अपने ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।